सत श्रीकाल जी सारे, स्वागत है थोड़ा अपने यूट्यूब चैनल शुभम जैन दे विच। ते एबीसी एग्जाम प्रैप दे थ्रू असी थोड़ी एग्जाम नाल रिलेटेड जो भी मदद होई, जो भी इनफॉर्मेशन पंजाब दे रिगार्डिंग हैगी थोड़े तक पहुँचाते रहेंगे। जो भी पंजाब दे रिगार्डिंग न्यूज़ होणगियां जो तुसी उन्हूं व्यूज़ दे विच कन्वर्ट कर लोगे तो थोड़े एग्जाम्स दे रिलेटेड भी थोड़ी हैल्प करनगियां। स्पैशली अगर आप गल करिए पीसीएस मेन्स की, जो आप गल करते हैं तो थोड़ा काफ़ी सारे डाटा कोट करना पैंदा है, काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स रियल लाइफ तो लैनिया पैनगियां। ओनली स्टैटिक जीके कवर करके तुसी अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर सकते। स्टैटिक जीके इंपोर्टेंट हैगी है, उन्होंने तुसी लिखना ही होंगे, लेकिन उस तो बाद अपने आंसर्स नू डिफरेंट तरीके नाल प्रेजेंट करने लिए थोड़ा होर बहुत सारिया करंट दी न्यूज़ का पता होना चाहिए। उसके उत्ते व्यूज़ थोड़े होने चाहिए सो दैट कि तुसी इफेक्टिवली अपने आंसर्स नू लिख सको। तो इसी कॉन्टेक्स्ट के आप एक गल करते हैं जी, रिसेंटली पंजाब दे विच पंजाब की ड्रग मिनेस की जी कंडीशन हुई हुई है, जो इतने एक थोड़ा सारा पता कि बहुत वड्डी प्रॉब्लम है। ये उत्ते रिसेंटली एक नैटफ्लिक्स के उत्ते वैब सीरीज़ आई है जिसका नाम हैगा जी कैट। तो यह बनाई है जी बलविंदर सिंह जनूजा वालों, ठीक है, जंजुआ वालों। तो जेडे अपने रणदीप हुड्डा जी ने इस एक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। ये जी मूवी हैगी है वह ऑल अबाउट जोड़ा थोड़ा पॉलिटिशियंस की गल करते हो तो पुलिस की गल करते हो, उन्होंने विचाले एक नैक्सस जोड़ा हैगा, दोनों एक दूजे को सपोर्ट जो करते हैं, कार्रवाई नहीं की जाती क्रिमिनल्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग बनी हुई नैटफ्लिक्स सीरीज हैगी है जी। इतने हूँ इस है कि मैं थोड़ा सारा कुछ नहीं दस सकता, ठीक है, अदरवाइज थोड़ा इंटरस्ट खराब हो जाएगा जी, ठीक है। तुम मूवी नहीं देखोगे, मैं चाहना कि वैब सीरीज़ में तुम देखो, अदरवाइज तुसी इनू कोट भी कर सकते हो कि ड्रग की प्रॉब्लम के उत्ते यह जी मूवीज़ बन दिया ने जो लोगों को सेंसिटाइज़ कर दिया ने इशू के उत्ते, ठीक है, एवं मूवीज़ बननिया चाहिए ने, ठीक है, रियलिटी लोगों को पता लगनी चाहिए है। जो तुम जी एस वन की गल करोगे सोसाइटी एंड जी एस टू सोशल इशूज़ की गल करोगे, उस क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उस कोट कर सकते हो यह चीज़ा। नैक्सट थिंग है जी थोड़ा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, रिसेंटली पंजाब दे विच एक रीजनल ऑफिस ओपन किया है जो उन्होंने अमृतसर दे विच, ठीक है। पहला एक ऑफिस हैगा जोनल ऑफिस चंडीगढ़ दे विच हैगा जी, जिहड़ा अमृतसर का ऑफिस होएगा वह मतलब कि हुण दो ऑफिस जो होणगे तां पंजाब दे जिहड़े अलग अलग एरियाज हैगे जी, माझा दुआबा मालवा, इन्हां दे उत्ते प्रोपर तरीके नाल की कीती जाऊगी जी इंस्पैक्शन की जाएगी, नज़र रखी जाएगी इन्हों के उत्ते, क्योंकि प्रॉब्लम जी है बहुत ज़्यादा जी पंजाब दे विच। रिसेंटली एन सी बी की टीम ने लुधियाना दे विच भी उन्होंने रैकेट में बस्त किया, तो एक बहुत वड्डी उन्होंने कामयाबी हाथ लगी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो उन्होंने सैकेंड रीजनल ऑफिस ओपन किया जो थोड़ा अमृतसर दे विच है। नैक्सट न्यूज़ जी है जी रिगार्डिंग अनइंप्लॉयमेंट, पंजाब दे विच जी अनइंप्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, ये थोड़े सारे एग्जाम जो आप पी सी एस मेन्स की गल करते हैं तो जी एस वन टू थ्री तीनों पॉइंट्स ऑफ व्यू नाल इंपॉर्टेंट है। इस टाइम सी एम आई ई सेंटर फॉर मोनीटरिंग इंडियन इकोनमी इन्हें एक डाटा तुम्हें दिता है जी, वो दस रहे हैं कि पंजाब दे विच जी अनइंप्लॉयमेंट रेट है वो 6.8% है जी, ठीक है, जो कि नैशनल एवरेज नालों घट है। नैशनल एवरेज की अगर तुम गल करो तो है जी 8.6%, ठीक है। तो एक सिर्फ न्यूज़ नहीं है, डाटाज भी याद रहने चाहिए जो व्यूज़ कि पंजाब दे विच अनइंप्लॉयमेंट वाकई घट है, ठीक है, 6.8% है, नैशनल एवरेज नालों घट है, वो की रीजनज़ ने कि यह डाटा सही है। बिल्कुल सी एम आई ई कोई यह जी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, तो काफ़ी सारे रीजनज़ तुम लिखोगे कि सब तो वड्डा रीजन जिहड़ा तुहानूं उहदे ते सोचना चाहिए वो है कि पंजाबी जिहड़े हैगे आ जदों बाहरलियां कंट्री च माइग्रेट कर रहे हैं कैनेडा आस्ट्रेलिया, कि वह एक वड्डी वजह हो सकती है कि पंजाब दे विच अनइंप्लॉयमेंट रेट घट है, क्योंकि जिहड़ा बंदा उरे रह ही नहीं रहा वह अनइंप्लॉयमेंट दे डाटा च आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है। तो अनइंप्लॉयमेंट पंजाब दे विच हैगी है, बट इत्थों लोग माइग्रेट ज़्यादा कर रहे हैं, मेरा अपना व्यू है, ठीक है। तो इस तरह के व्यूज़ में न्यूज़ में व्यूज़ के कन्वर्ट करना है तो फिर एग्जाम के कोट करनिया ने चीज़ा जी, ठीक है, वो एक वड्डा रीज़न हो सकता है। होर पंजाब के रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ होनगियां असीं थोड़े नाल डिस्कस करते रहेंगे, जो थोड़े एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नाल भी इंपोर्टेंट होनगियां, ठीक है जी। पिछले जी मैं एक वीडियो बनाई सी पी सी एस ऑफिसर जिहड़े अपने मास लीव के उत्ते गए सीगे, कुछ लोगों ने एक्चुअली वो वीडियो ज़्यादा देखी नहीं है क्योंकि सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, अगर तुम गल करो तो वह व्यूज़ के भी होएगा। जो तुम एथिक्स की गल करते हो एक तुम ऑफिसर बनना तो थोड़ा उन्होंने राइट्स बारे भी पता होना चाहिए, किस सैक्शन के गल कही है, किस एक्ट के गल कही गई है,
थोनों पता होनी चाहिए है। तो मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करा कि प्लीज उस वीडियो में भी देखियो। फरदर पंजाब रिगार्डिंग कोई भी इनफॉरमेशन होगी थोड़ा कन्वे कर दी जाएगी। थैंक यू।